आज सकाळी संजय राजाराम राऊत बोलत असताना करूळकर ह्या विषयावर जेव्हा ते बोलले तेव्हा संघावर त्यांनी काही आरोप केलेले आहेत। हेंचा थोबाड जो आयसिसचा मोरका जो पुण्यामध्ये सापडला डॉक्टर सरकार नावाचा तेव्हा हे संजय राजाराम राऊत काही बोलले नाही, तेव्हा त्यांच्या थोबाडावर कुलूप लागलेलं। असंख्य तरुणांना आयसिसच्या माध्यमातून अतिरेकी बनवण्याचा कारखाना त्या डॉक्टर सरकार पुण्यावर चालवत होता, त्या समसाय संदर्भात ना सामन्यामध्ये अग्रलेख आला आणि नाही ह्या संजय राजाराम राऊतनी काय त्याच्याबद्दल थोबाड उघडलं। मला आठवतं सरसंघचालक मोहन भागवतजींना आपण राष्ट्रपती करा असा प्रस्ताव तेव्हा उद्धवजींकडून आणि त्यांच्या शिवसेनेतून आलेला आणि आता अचानक त्यांना संघ राष्ट्रसंघावर टीका करण्याचं आठवतं, म्हणजे हे किती स्वार्थी लोक आहेत, किती देशद्रोही लोक आहेत, पाकिस्तानचा केवढा ह्यांना पुळका आला आहे ह्याचंच उत्तम उदाहरण ह्या निमित्ताने दिसून येतं। त्याचं काय मी त्याच्या निकालाबद्दल मी ऐकलेलं ना, मी सभागृहामध्ये होतो, पण मी एवढंच तुम्हाला सांगेन की राहुल गांधीजींनी जे ओबीसी समाजाची जी जो अपमान केलेला आहे त्यांनी ह्या त्या ओबीसी समाजाचा खऱ्या अर्थाने माफी मागितली पाहिजे। ती माफी न मागता तिथून पळवाट काढण्याचं काम राहुल गांधी वारंवार करतायत आणि त्यांचे ओबीसी समाजाचे जे नेते जे काँग्रेसमध्ये इथे काम करतात ते ह्याबद्दल का बोलत नाहीत हा प्रश्न आमच्या सगळ्यांच्या समोर आहे। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटचा व्हाईट पेपर आलेला आहे काल, त्यांनी ट्विट करून सांगितलं की खोके सरकारचा व्हाईट पेपर आहे, एक्सपोज झाली सरकार या व्हाईट पेपरला। मला वाटतं की आदित्य ठाकरेंनी व्हाईट पेपर वाचला आहे का, व्हाईट पेपरमध्ये काय कंटेंट आहे त्याबद्दल तरी त्याला आलं आहे का? हे काय डिनोच्या घरी बसण्यासारखं सोपं नाही आहे जिथे व्हाईट पेपर येल्लो पेपर रेड पेपर सगळेच निघतात आणि त्या पेपरचं काय होतं हे मग सकाळी कळतं। म्हणून पहिलं व्हाईट पेपरमध्ये काय लिहिलं आहे हे जरा चष्मा काढून वाचा आणि मग आपल्या राज्यामध्ये येणारे उद्योग आणि उद्योगामध्ये किती उद्योग येणार भविष्य काळामध्ये येणार आहेत याबद्दल थोडी वाचा आणि त्याबद्दल प्रतिक्रिया द्या। आज जो सुबह हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने विधान परिषद में जवाब दिया उसी तरीके का जवाब कल उन्होंने विधानसभा में भी दिया था। उन्होंने ये स्पष्ट कल ही कर दिया था कि औरंगजेब या औरंग्या जिसको हम बोलते हैं क्योंकि उसको इज्जत देने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसने स्वराज्य के विरुद्ध बहुत बड़ी संघर्ष किया करवाया बहुत मतलब हिंदू मंदिरों तोड़ी हिंदू महिलाओं के ऊपर हिंदू समाज के ऊपर बहुत अत्याचार यही औरंगजेब ने किया, तो उसके बारे में जो उसका फोन स्टेटस के ऊपर फ़ोटो लगाते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं इस बारे में हमारे डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है। मगर उसके साथ उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड कौन है वो ढूंढने का भी काम हमारा होम डिपार्टमेंट कर रहा है और जल्द ही सब समझ में आएगा कौन इसके पीछे है, कौन इस तरीके का महाराष्ट्र में वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसके सब के बारे में मालूमात जल्दी ही बाहर आएगी। सर, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, आज सदन में भी इस बात को कहा है, इसको कैसे देखते हैं? जल्दी हमारे सबका ही आग्रह है, जिस तरह उत्तर प्रदेश गुजरात में एक सक्षम लव जिहाद का जो कायदा है जिससे हम धर्मांतर बड़े पैमाने पर रोक सकते हैं, तो उसी तरीके का कायदा हमारे महाराष्ट्र में जल्द ही आने वाला है और ऐसा कायदा आएगा जिससे हमारा महाराष्ट्र धर्मांतर मुक्त तो होगा। हाँ, कोई भी हमारी बहनें जो इस बारे में उनकी ज़िंदगी खराब की जाती है
वो सारी चीज़ें रुकेंगी और महाराष्ट्र में हमारे माता बहन ये सुरक्षित तरीके से घूम पाएंगे, इस तरीके का कायदा जल्द ही आने वाला है। जसा फडणवीस साहेबांनी वरती सांगितलं बारसू संदर्भात आणि काही दिवसा अगोदर ज्याबद्दल आमच्या आशिष शेलार साहेबांनी पण उल्लेख केला, बारसू संदर्भात काही व्यवहार आता पाकिस्तानमध्ये सुरू आहेत, तर मला प्रश्न ह्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या टोळीला विचारायचं आहे की उद्धव ठाकरेंना पाकिस्तानकडून बारसू थांबवण्यासाठी किती खोके आले। आता हे बारसू थांबवण्यासाठी, ग्रीन रिफायनरी किंवा महाराष्ट्राचा विकास थांबवण्यासाठी आता मातोश्रींनी पाकिस्तानबरोबर डीलिंग सुरू केली आहे का? की नवीन मातोश्रीमध्ये नेमकं पाकिस्तानची किती गुंतवणूक आहे? आणि ह्यासाठी उद्धव ठाकरे, त्यांचा मुलगा आणि जे जे काय जे ह्या व्यवहारामध्ये उद्या असतील तर त्यांच्या विरुद्ध देशद्रोहीचा खटला चालवा। मुद्दा मेरा ऐसा है, मुझे याद है 2019 में उद्धव जी के नारा क्या था, पहले मंदिर फिर सरकार, और अभी मंदिर की तो बात करते नहीं है, हिंदुत्व के नाम पे दुकान चलाते हैं और हम पे सारा टीका करने के लिए उनको सारा वक्त है। जहाँ अगर मणिपुर की बात कर रहे हैं तो उस तरह के वेस्ट बंगाल के बारे में बात क्यों नहीं करते? वहाँ कुछ दंगे हो नहीं रहे? वहाँ बहुत सुख शांति है क्या? वहाँ लोगों के ऊपर लोगों को मारा नहीं जा रहा है, लोगों को जलाया नहीं जा रहा है? मतलब सिर्फ जहाँ जहाँ बीजेपी को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी को टारगेट कर सकते हैं, उतनी ही गंदी राजनीति करने के लिए तो संजय राजाराम राउत को सुपारी मिली है, उसका धंधा ही वो है, उससे तो उसका पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल में अकेले पैसा मिलता है उसको, और क्या है उसका? नहीं, ऐसा है कि उस बारे में अभी पूरा जजमेंट आना है, जजमेंट पढ़ने के बाद ही उसके बारे में टिप्पणी हम कर सकते हैं, मगर राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी समाज की जो समाज का जो अपमान किया है उस बारे में वो माफ़ी क्यों नहीं मांगते? सारा का सारा ओबीसी समाज का उन्होंने जो अपमानित किया है, फिर उनके जो महाराष्ट्र में जो ओबीसी के नेते हैं उनको यह अपमान उनको एक्सेप्ट है क्या, स्वीकारते हैं क्या? तो कोर्ट का जो निकाल आएगा उसके बारे में टिप्पणी देंगे ही, मगर जो पूरे ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है उस बारे में पहले वो माफी मांगना चाहिए। देखिए, हमारे महाराष्ट्र और देश में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसको रोकने के लिए एक बहुत शक्तियां तैयार हो जाती है, जिसके बारे में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने आज सुबह उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाउस में दी, और वैसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ दिनों पहले आशीष शेलार जी ने भी दी थी कि बारसू में आने वाले रिफाइनरी रोकने के लिए पाकिस्तान का एक एंगल है, और वो एंगल जिस तरीके से बाहर आया और जब से ज़्यादा रुकाने के लिए विरोध करने के लिए कौन था? उद्धव ठाकरे और उसके लोग। तो मेरा ऐसा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और पाकिस्तान के बीच में जो है संबंध है उस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे को बारसू जाने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हुई थी क्या? मातोश्री में इस बारे में कुछ डीलिंग हुई थी क्या? मातोश्री में जो जो इनके अकाउंट है उस अकाउंट में से पाकिस्तान से कुछ पैसा आया था क्या, खोके आए थे क्या? इस बारे में थोड़ी अभी इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो NIA के तरफ से हो, CBI के तरफ से हो, क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान से अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फंडिंग होती है, और वही ऐसी फंडिंग अगर उद्धव ठाकरे के पास आई रहेगी तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।